तो पोकेमोन की ये स्पेशल सीरीज जिसका पहली बार जब ट्रेलर हमें दिखाया गया था तो उसमें हमें एक लैटियास देखने को मिला था जिसके ऊपर ऐश बैठा हुआ था और उस टाइम इसे देखकर सभी को ऐसा लगा था कि ऐश इस बार लैटियास को पकड़ेगा और उसकी टीम में पहला कोई लेजेंडरी पोकेमोन आएगा। और इसके बाद हमें दिखाया गया इस एपिसोड का टाइटल और उसके बाद इसकी समरी जिसमें इस एपिसोड की पूरी डिटेल दी गई थी कि इसके अंदर हमें एक लैटियास देखने को मिलेगा जिसकी मदद ऐश करेगा। और इस टाइम तक सभी को ऐसा लगने लगा था कि ये बात 100% कंफर्म है कि ऐश की टीम में लैटियास जरूर आएगा। और फिर जब हमें एपिसोड दिखाया जाता है तो उसमें हमें एक इंजर्ड लैटियास देखने को मिला जिसकी मदद ऐश ने की और टीम रॉकेट से भी उसे बचाया और बाद में लैटियास को भी ऐश पे भरोसा हो गया। लेकिन इसके बाद भी इस एपिसोड में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि ऐश लैटियास को पकड़ेगा या फिर लैटियास उसकी टीम में आएगी। लेकिन रुको, क्योंकि लैटियास की स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, वो हमें ऐश की टीम में देखने को मिलेगी और ऐश भी उसे पकड़ने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, इसके रिलेटेड हम काफी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे और कुछ हिंट्स और प्रूफ की मदद से जानेंगे कि ऐश लैटियास को पकड़ेगा या फिर नहीं। तो जहाँ तक हमें एपिसोड 1 दिखाया गया था उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ऐश अपनी आगे की जर्नी पर निकल पड़ता है और उस समय आसमान में हमें लैटियास देखने को मिलता है जो कि ऐश के साथ ही उसका पीछा कर रहा था। और इन सब के अलावा एपिसोड 2 के एंड में भी हमने लैटियास को देखा था, तो इसी से सोच सकते हो कि लैटियास हमें लगातार 2 एपिसोड में देखने को मिला और वो भी वहाँ पे जहाँ पे ऐश रहता है या फिर जहाँ पर ऐश रुकता है। और ये चीज हमें सिर्फ इसी स्पेशल सीरीज में या फिर सिर्फ लैटियास के केस में देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि इससे पहले भी कुछ पोकेमोन ऐसे हैं जो कि पहले ऐश का पीछा करते थे और बाद में वो अब ऐश के पोकेमोन बन गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं क्रोकोडाइल, स्क्वार्टल, ऑशुवॉट और भी कुछ पोकेमोन्स को जिन्होंने पहले ऐश को देखा और बाद में वो उसका पीछा करने लगे। और फिर कुछ एपिसोड के बाद हमें देखने को मिलता है कि उस पोकेमोन को ऐश ने पकड़ लिया और यही चीज हमें अब देखने को मिल रही है। और पोकेमोन वाले हमें तभी ऐसा दिखाते हैं जब वो पोकेमोन ऐश की टीम में आने वाला हो। तो इसका मतलब हम जो सोच रहे थे कि लैटियास ऐश की टीम में आएगी और ऐश अपना पहला लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ेगा, तो ये चीज बिल्कुल सही है। जल्दी हमें आगे आने वाले 2 या 3 एपिसोड के बाद ही ये चीज देखने को मिल सकती है या फिर उससे पहले भी हमें इसे दिखाया जा सकता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के पोकेमोन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।